शर्मा जी ने एक बयान दिया है आपको लेकर चुटकी लेते हुए, कहा है कि मैं सरकार से अपील करता हूँ कि उनको मंत्री बना दिया जाए, क्या कहेंगे इसलिए आप? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। वो अपनी खुद चिंता करें, हमारी चिंता जेन्युइन है, क्योंकि 3 साल लगातार वो बीजेपी के साथ रहे हैं, तो अब वो भी जल्दी आने वाले हैं बीजेपी में, इस नाते उनको चिंता ज़्यादा लग रही है। खबर आ रही कि आपको जो है आप भाजपा से नाराज चल रहे हैं, लगातार वादा किया जा रहा है, बातचीत भरोसे पक्ष के बाद भी आपको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। नहीं देखिए, ये जो खबर है, 14 तारीख को बसंत पंचमी थी, मैं बनारस से शुरू किया, बलिया होते हुए मैं गोरखपुर गया, गोरखपुर से मैं आया लखनऊ। 15 को नामांकन नहीं था, उसमें मैं कार्यक्रम था नहीं था, कल कार्यक्रम था नामांकन का, मैं शाहजहाँपुर कार्यक्रम में था, तब उसी को लोग सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम लोग NDA में शामिल हैं और 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं हम, जितने लोग NDA में हैं। कहने के लिए कोई क्या कह रहा है, कहे हम तो ओपन बात बताते हैं कि जब इंडिया गठबंधन बना उसके दूसरे दिन ही मैंने बता दिया 2 लाइन दोहा बना के कि विरोधियों ने ठाना है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। उस समय किसी को समझ में नहीं आया था, नीतीश जी से हमारी बात हुई थी, नीतीश जी सट गए, जयंत जी से भी बात हुई थी, जून महीने में जयंत से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा था कि नहीं हम NDA में आएंगे, वो भी आ गए। अभी देखिए बयान शुरू हो गया है, ये अपना दल कमेरा का वो भी लाइन में, शिवपाल जी भी लाइन में हैं। अभी देखिए कितने लोग लाइन में हैं।